Hello everyone, this is Pallavi and you are watching Indian Masterminds. Today we have with us a very special guest. Not only he is an additional commissioner CGST Chandigarh, but also a poet and writer who writes in many languages. Recently his book Gandasa Guru Ki Shapath has been published by Rajkamal. During this interview, not only we'll talk about his book, but also learn how he landed up in IRS. Please welcome Dr. Kundan Yadav sir. जैसे कविताएं और छोटी कहानियां दोनों लिखते हैं आप, तो पहली रचना किस वक्त की थी? मैं जब 12वें साल का था तो उस समय लिखा था मैंने, बचपन में एक कविता लिखी थी और एक समुद्र पे लिखी थी। मैं पहली बार पांडिचेरी गया था तो समुद्र देख के मतलब मुझे लगता था कि पानी खत्म कहाँ होगा। मैं बड़ा परेशान रहता था कि इतना पानी कभी देखा नहीं था। तो बार बार पास में ही घर, उसमें समुद्र के रात में गरजने की आवाज आती थी, वो मुझे बहुत इंथ्रॉल करती थी। तो एक उस पर लिखा था और दूसरा बचपन पे, क्योंकि मुझे घर में बड़ा था, डांट बहुत पड़ती थी। अच्छा। तो लगता था कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो लोग प्यार नहीं करते हैं। उसको लिखा था कि ऐ मेरे बचपन मुझे अब छोड़कर जाते किधर हो, उम्र बढ़ती जा रही गंभीरता भी आ गई है, लग रहा जैसे अपरिचित कुछ घटाएं छा गई हैं, और है ना अब स्वागत चतुर्थी की मुझे फटकार मिलता, हो गया है लुप्त तुम जब थे मुझे जो प्यार मिलता, सब यही कहते कि कुंदन क्यों नहीं जाते सुधर हो, है मेरे बचपन मुझे अब छोड़कर जाते किधर हो। तो लगता था बचपन छूट रहा है उसके लिए। ये 12 साल का जब मैं था, 12 में मतलब 89 की बात है, तब मैंने लिखी थी। उसके बाद टाइम टू टाइम लिखते रहे, अब तो काफी मतलब करीब 150-200 कविताएं लिखी होंगी और कहानियां। ये गंडासा गुरु की शपथ आपकी पहली किताब है जो पब्लिश हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने बुक नहीं पढ़ी है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइटल पे एक कहानी जरूर होगी। तो ये टाइटल इतना इंटरेस्टिंग टाइटल है, ये कैसे ध्यान आया कि इसको ही करते हैं? एक्चुअली आप ये जो ईस्ट यूपी बिहार और खास करके यूपी का परिदृश्य है ना, वहाँ पर किसी के पास कोई यूनिकनेस होगी तो उसके नाम के गुरु जोड़ देते हैं। हाँ, गुरु। कोई लंबा हो गया तो लंबो गुरु। हाँ, कोई मूछ लंबी रखेगा तो उसका नाम मोछा गुरु रख देंगे। किसी का नाम बाल बहुत बड़े हैं तो झूठा गुरु हो जाएगा। तो ये कंठमाला वगैरह बहुत पड़ता है ना, जैसे रुद्राक्ष वगैरह, तो कंठे गुरु ऐसे कर करके। कंठे महाराज एक वो तबला वादक भी थे, आपने सुना होगा। किसी न किसी विशेषता पे गुरु का नाम चल जाता है। तो एक आदमी है, उसमें वो गायों के लिए चारा काट के लाता है। चारे में जो चारा जानती है ना, बार्ली और ये ला करके वो पहले तो मशीन से भी काटते हैं, और जिनके पास मशीन नहीं होती वो गडासे से काटते हैं। उसमें सांप छिपा था, तो सांप ने उसकी उंगली में काट लिया। तो पहले उसने उंगली को काट के उड़ा दिया, फिर नहीं, पहले सांप को उड़ाया, सांप का गर्दन काट दिया, सांप आधे दो भाग में हो गया। फिर काट लिया जहर ना जाए, उंगली उड़ा दी और उंगली से ब्लीडिंग होने लगी। लोग भागे भागे आए, क्या हुआ क्या हुआ, तो देखा दो टुकड़े में सांप फटा हुआ और ये भी बेहोश होने लगा, ब्लीडिंग बहुत तेज हो रही थी। उसको किसी तरह दबा उबा के ये लोग उसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे लेके पहुंचे और सांप को भी लेके पहुंचे गांव वाले। अच्छा। डॉक्टर ने पहले तो इंजेक्शन दिया, देखा कि हाँ ये बेहोश हो गया था। तो उसमें उसने देखा, बोला रे इस सांप में तो जहर ही नहीं होता है। सांप जो है जहर होता नहीं है, ये पानी वाला सांप है, डेढ़ फुट का, इसमें तो पॉइजन है ही नहीं, और इसने काटा क्यों उंगली? तो क्या है कि अब यहाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हम लोग हिंदी फिल्में देख के सांपों से बहुत ज्यादा डरते हैं, इतना बच्चे नहीं डरते। मैं तो आभास भी हो कि सांप है तो लोग को हार्ट अटैक आ जाता है तरीके का। यहाँ चंडीगढ़ में सांप आते हैं इतने ज्यादा, अगल बगल निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन है सर्प मित्र की, जैसे बाकी जगहों पे ना फायर पुलिस ये सब होता है, एम्बुलेंस, यहाँ पे सर्प मित्र के नंबर है, हम लोग फोन करके बुलाते हैं, वो आते भी हैं, ले जाते हैं रेस्क्यू करके। आप मार नहीं सकते, मारने पे मतलब पनिशमेंट है चंडीगढ़ में, सिटी लिमिट। वो सांप देख करके उसने जो है अपना जो उंगली काट दी, हालांकि डॉक्टर ने बोला कि क्या इट्स मतलब फुलिशनेस है, बेवकूफी है, तुम्हें समझ नहीं आता है कौन सा सांप था, ये क्या उल्टा सीधा काम करते हो, मैं नहीं होता तो मर गया, उसने बहुत डांटा डॉक्टर ने। लेकिन पब्लिक ने उनकी हिम्मत को पेश किया कि यार कुछ भी हो और वो क्या कहानी में है, वो किस तरह से जुए खिलवाता था
लोगों को बुला के अपने घर में जुआ खेल करता था, उससे उसकी कमाई होती थी। और कैसे उसको पुलिस ने पकड़ा, फिर कैसे उसने कसम खाई कि नहीं मैं जुआ यही खिलवाऊंगा और पुलिस को पैसे भी नहीं देना बंद कर दूंगा। वो धर्म का सहारा लेता है, पॉलिटिकल अप्रोच का सहारा लेता है, कैसे लोगों को फिर से इकट्ठा करता है, उसकी कहानी है। तो लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर मैंने शुरू में तो मैं बहुत हिचक के लिखता था क्योंकि मैं अपने को राइटर मानता नहीं था, तो दोस्तों मित्रों को सुनाता था, उन लोगों ने कहा नहीं तुम अच्छा लिख रहे हो। फिर एक दोस्त ने ई मैगजीन पे छाप दिया, उसमें कमेंट वगैरह बहुत आए। एक कोतवाल राम लखन सिंह भी, मेरी बहुत अच्छी कहानी थी, उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया। तब मैंने हिम्मत करके लोगों को भेजना शुरू किया। शुरू में तो लोगों ने नहीं छापा किसी, बल्कि कईयों ने कहा कि कहानी में कोई दम नहीं है ऐसे वैसे। बट राजकमल ने उसमें जैसे रिव्यू वगैरह लिया तो प्रोफेसरों ने कहा कि नहीं, तो वहां जाकर के मुझे ब्रेक मिला। तो मोस्टली कहानी आपने अपने नेटिव प्लेसेस से ही उठाई है? नहीं, ऐसा मोस्टली नेटिव प्लेसेस आप कह सकती हैं, बट कुछ कहानियां अलग से भी हैं, जैसे जो अब मतलब पूरे हिंदी हार्टलैंड में जो चीजें चल रही हैं उसको देख के उन्हीं ऑब्जर्वेशन से। अब जैसे अभी एक दो कहानियां ऐसी हैं जो मैंने इलेक्शन ड्यूटी में ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से बना लिया। कहानियां ऐसे बनती भी हैं, मतलब आप अचानक सोच के नहीं लिखेंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपीरियंस, कुछ आपके साथ होगा, कोई बिहेवियर होगा। कविता भी ऐसे ही बनती है। अब चंडीगढ़ में मैं आया तो यहाँ पे पोल्यूशन नहीं था, चांद बहुत अच्छा लगा, बैठे बैठे 8 मिनट में मैंने कविता लिखी और अच्छी कविता उस लोगों ने सारा चीजें सुनाइए। थोड़ा सा उसका उसका मुखड़ा सुनाइए। अच्छा, वो छोटी सी कविता थी 10 लाइन की, कि चंदा इतने प्यारे क्यों हो, तेरे आने का इंतजार रहता है मुझको बार बार, आकाश झूम कर गाता है धरती पर आती है बहार, कोई 14वीं का चांद कहे, कोई चंद्र मौलिका बाल इंदु, जो शंकर के सिर पे होता है बाल इंदु, कोई 14वीं का चांद कहे, कोई चंद्र मौलिका बाल इंदु, कोई कहे तुम्हारा मुंह टेढ़ा, दिखने भर से आता करार, सारा विज्ञान पढ़ा फिर भी तुम अखियों के तारे क्यों हो, चंदा इतने प्यारे प्यारे क्यों। चांदी सी चमकती रेतों में, गंगा के निर्मल पानी में, सागर की वर्तुल लहरों पर, बचपन से लेके जमानी में, हर बार गले लगकर तुमसे सारे रंजो गम दूर हुए, तेरी गाथाएं गा करके कितने शायर मशहूर हुए, और मिलकर के चकोरों ने सोचा उनको इतने न्यारे क्यों हो, चंदा इतने प्यारे क्यों हो। कई बार लास्ट लाइन है कि कई बार छुपाया शहरों ने तुमको जब हम बेजार हुए, दिल्ली में नहीं दिखता था, तो कई बार, इससे पहले मैं दिल्ली था तो फ्लाइट्स वगैरह थे और पॉल्यूशन था, नहीं दिखता था। Yes, यहाँ बिल्कुल दूधिया चांद आता है। तो कई बार छुपाया शहरों ने तुमको जब हम बेजार हुए, कितनी रातों तुम गायब थे जब जीवन से लाचार हुए, सारे बच्चों के मामा तुम, दादी के दुलारे क्यों हो, चंदा इतने प्यारे क्यों हो, सारा विज्ञान पढ़ा फिर भी, साइंस में तो वो कुछ भी नहीं है, सारा विज्ञान पढ़ा फिर भी तुम मक्खियों के तारे क्यों हो, चंदा इतने प्यारे क्यों हो, चंदा इतने प्यारे। ऐसे ही बस कविताएं बन जाती हैं। तो सर, जैसे हिंदी में तो ये लिखा आपने और पोएम वगैरह भी लिखते रहते हैं, अभी अब अभ्रंश की बात कर रहे थे आप, जितना जैसे आपने उसमें कुछ डिग्री भी ली है, तो ये अभ्रंश पढ़ने का एक होता है ना इंटरेस्ट, कब मतलब आया कि ये वाला, क्योंकि अब तो विलुप्त हो रही है अभ्रंश, मैं तो कहूंगी संस्कृत भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो थैंकफुली पढ़ लेते हैं, बट ऐसे मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट से कोई पढ़ना चाहे, मतलब चाहता है। एक नंबर बहुत आता है संस्कृत में, इसलिए भी बच्चे लेते हैं। जी जी, और सबसे बड़ी बात है कि अभ्रंश को जो संस्कृत को एक साहित्यिक, मतलब गवर्नमेंट भी वो सपोर्ट करती है ना। तो अभ्रंश का सर वो जर्नी की होता है ना, कि किसी ने कभी कुछ पढ़ा हो, किसी वजह से ही कोई कोई भाषा चुनता है कि इसको पढ़ना है, आपने डिग्री भी ली उसमें, तो वो जानना चाहती हूँ कि वो कैसे शुरुआत हुई थी। एक्चुअली जब मैं BHU में MM पढ़ रहा था, वहाँ अभी भी एक आपके पेपर के तौर पे कोई ना कोई लैंग्वेज, ओरिएंटल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अच्छा। तो मैंने अभ्रंश लिया। अभ्रंश इसलिए लिया कि संस्कृत में जैसे कठिनाई बहुत थी और पाली वगैरह से इसमें जो है, जैसे आप हिंदी में आते हैं तो भारत की जो ओरिएंटल लैंग्वेज है उसमें अभ्रंश जो है प्राकृत और संस्कृत और हिंदी के बीच की कड़ी है।
ये 500 से लेकर के और 1200 तक के, यानी कि आप 700-800 साल तक जो इंडियन हिंदी हार्टलैंड की लैंग्वेज थी यही थी, अपभ्रंश थी। तो और अब नामवर सिंह की एक बुक है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, तो जस्ट मतलब प्री हिंदी लैंग्वेज जो इंडिया में चलती थी तो उसको लेकर के, जैसे आप हिंदी में आप समझ लें कर्म, संस्कृत में कर्म बोलते हैं कि कर्म, कर्म करूति मतलब कर्म, उसको प्राकृत में कहते हैं कम और हिंदी में हो जाता है काम। तो ये तीन शब्द कैसे बदल रहे हैं, बीच का जो वर्ड है वो अपभ्रंश का है कम। सांप को जैसे अभी भी बंगाल में यहाँ पंजाब में सप बोलते हैं, सप अपभ्रंश में आता है कि हुंती भला न पोषियां दुधई काला सप, जबकि सप से हमारे यहाँ सांप हो गया, उसमें व्याकरण के नियम लगते हैं, क्षतिपूरक दीर्घीकरण नियम उसको कहते हैं, कि सर्प से र का लुप हुआ सप हुआ, सप से फिर सांप हुआ। तो ये जो भाषाएं बदल रही हैं उसमें मेरी जो है भाषा विज्ञान में थोड़ी रुचि थी, और जब मैं वहां आया तो मैंने अपभ्रंश की मतलब वहां पे कुछ बड़े अच्छे मतलब बहुत विश्व स्तर के वर्ल्ड लेवल के विद्वान थे, स्वर्गीय सुखदेव, डॉक्टर सुखदेव सिंह, डॉक्टर शंभुनाथ पांडे, रेवा प्रसाद द्विवेदी, मतलब दे आर अथॉरिटीज, और हम उस अपने आप को बहुत ही काबिल मानते हैं, भाग्यशाली मानते हैं कि उन टीचरों का उन गुरुओं का हमें जो है मतलब सानिध्य मिला है, आप कह सकती हैं उनके टच में मैं था, और वो पढ़ाते ऐसे थे मतलब लगता था कि आप खो जाएंगे, मतलब जो चीजें आपके लिए कठिन है उसको सरल बना देते थे, ऐसे वो टीचर्स थे। मतलब वो एक वो हम दिती हो नास्ती, अब ऐसा टीचर नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। अब मैंने बहुत से देखा उस तरीके का होना बड़ा मुश्किल है जिस तरीके वो लोग थे। तो उनके मिलने के बाद मुझे एक दिन किसी ने बोल दिया कि ये अपभ्रंश जो है उसके लिए भरत मुनि ने लिखा है कि आभिराधिजन की भाषा है। आभिराधिजन मतलब होता है कि जो जैसे संस्कृत साहित्य में जो संस्कृत थी वो सिर्फ ब्राह्मण या पंडित पढ़े लिखे लोग पढ़ते थे, जो जैसे आज की फोकलोर जिसको कहते हैं उस समय का फोकलोर। आभिराधी मतलब होता है जैसे अहीर जाति जो है, जैसे मेरी जो कास्ट है अहीर है, मुझे लगा कि आभिराधी, उस समय मैं ये सोचता था कि हमारे जो फोरफादर्स थे उनकी ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसी थी। हालांकि उसमें आभिराधी का मतलब सिर्फ यादव जाति से नहीं था, जितने भी गुर्जर या जाट या जो भी मतलब पैस्टोरल सोसाइटी की जो जातियां थी उनकी लैंग्वेज, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनका लिटरेचर जो है उसको अभ्रष्ट मानता, अभ्रंश, अभ्रष्ट मतलब कि जो व्याकरण के हिसाब से संस्कृत के हिसाब से शुद्ध नहीं है, जो मार्जिनलाइज लोगों की भाषा है, कम पढ़े लिखे लोगों की भाषा है। तो ये सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर मैंने थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू किया तो देखा कि मतलब अगर उसका व्याकरण समझ लिया जाए किसी अच्छे अध्यापक से तो चीजें क्लियर हो जाती हैं, और वो चीज बाकी लोगों को थोड़ा कठिन लगती थी। तो अगर आप, एक होता है ह्यूमन बचपन में कि अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज जानते हैं जो बाकी लोगों को नहीं आती है तो आपको मजा आता है उसमें, मुझे और मजा आने लगा, जैसे एक स्किल मुझे लगा कि ये आ गई है। मैंने पिछले इंटरव्यू में लिखा था ना कि एक मंदिर में जाके मैं एक पंडित जी को, उनको जो है दिमाग उनका चाटता था और अपभ्रंश में प्रार्थना करता था, वो संस्कृत में पढ़ाते थे कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुचकिंद्र हारम, या जो है रुद्राभिषेक कर रहे हैं या कुछ उसमें भी कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागान संसार, और मैं उसके वर्ष में संस्कृत छोड़ के अभ्रंश में करता था। उनको लगता था कि ये क्या, कौन सी लैंग्वेज है, उनको मैं बताता था कि भाई सब लोग संस्कृत में प्रार्थना करते हैं, उनकी जो है वेटिंग लिस्ट लंबी है, मैं अभ्रंश में कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज के नाते कभी जो है शंकर भगवान इधर ध्यान देंगे, भाई इधर तो एक ही एप्लीकेशन है, मेरे पे एक्शन हो जाएगा। और उसी साल मुझे नौकरी मिल गई, वो मैंने बताया उस इंटरव्यू में, तो उसको लेकर के मुझे थोड़ा सा, फिर जब सर्विस में आया तो किसी से मैं चर्चा करता था कि अभ्रंश, तो लोगों ने अभ्रंश क्या चीज है, ये जो है एंडेंजर्ड लैंग्वेज हो रही है, धीरे धीरे जो है कहीं गायब ना हो जाए, तो इसको बचा के रखना चाहिए। तो मैंने लिखना पढ़ना कुछ अपना नोट्स बनाना, फिर एक ऑडियो बना के भेजा कि भाई कठिन नहीं है, कैसे सोच समझते हैं, इसमें मेरी रुचि हुई, फिर लिखना पढ़ने लगा। तो कई एक पब्लिकेशन ने मुझसे कहा कि आप अगर इसकी बुक बना दें जो चीजें अभी नहीं छपी हैं तो हम उसको छापेंगे। वो लोग मुझे ऑफर भी कर रहे थे, लेकिन बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट मैं बिना परमिशन के कोई कॉन्टेक्ट या ही ले नहीं सकता था। वो मुझे पहले ही 2,00,000 रुपए दे रहे थे, अच्छा, आप इसको ले लें और इस पर्टिकुलर साल में लिख लें। उन्होंने कहा ऐसे मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं बेसिकली तो
मेरा जॉब तो जॉब है, जब टाइम मिलता है तब मैं पढ़ता लिखता हूँ, तो ना मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ ना मैं कोई एक्सेप्ट कर सकता हूँ आपसे चेक। हाँ ये है कि मैं अगर लिखूंगा तो फिर आपको आप ही को दूंगा छापने के लिए। इससे मेरी रुचि पिछले मतलब, और लॉकडाउन ने बड़ा हेल्प किया। लॉकडाउन में ऑर्डर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ओनली ऑफिसर अबव देन अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी दे विल कम टू द ऑफिस। तो मैं रोज अकेले आता था, मेरा पीएस भी नहीं आता था, हवलदार भी नहीं आता था, तो अकेले आके बैठा रहता था और काम उतना था नहीं। तो पुरानी बुक्स जैसे मैंने फिर से पुराना वेद पढ़ना शुरू कर दिया, फिर से जैसे दो तीन पुराण पढ़ गया, तो ओरिएंटल लैंग्वेज को दोहराया मैंने, फिर अभ्यंस लगा कि हाँ फिर से इस पे काम करना चाहिए। तो चीजें जो है इस तरीके से स्ट्रीमलाइन हुई और लोगों से शेयर करने में भी अच्छा लगता है जब कोई पूछना चाहता है तो। बहुत सारे लैंग्वेजेस लिख लेते हैं आप, बोल लेते हैं, हिंदी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा अभ्रंश की बात की, ब्रज भाषा में भी लिख लेते हैं आप, और भी उसके अलावा भी किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं या यही तीन है मेन? नहीं नहीं मेन तो देखिए हिंदी में अभ्रंश और ये जो आप कह रही लिखने की, जो हमारा नेटिव लैंग्वेज है, हर आदमी अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही लिख पाता है, बाकी तो हम उसको जो है ऑल एफर्ट करके सीखते हैं किसी लैंग्वेज को। तो आप सोचेंगे भी ना, जैसे जो मतलब लिखना पढ़ना है वो एक तरीके का दस्तावेजीकरण है, मतलब यू आर गिविंग एन आर्ट फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ योर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ योर फीलिंग, व्हाट एवर पावर फीलिंग्स आर देयर, तो स्पॉन्टेनियस दिमाग में आता रहता है, आप उसको एक शब्द देते हैं और वो हमेशा आप नेटिव लैंग्वेज में देंगे, ये फिक्स है। कोई भी राइटर, जैसे रशियन राइटर हिंदी कितना भी सीख ले हिंदी में नहीं लिखेगा, पहले वो पहला ड्राफ्ट ही उसी में तैयार करेगा, फिर उसको चेंज करेगा। तो लिखता मैं हिंदी में हूँ, सोचता भी हिंदी में हूँ, और ये मैं ही नहीं, सारे राइटर्स यही करते हैं, जो उनकी नेटिव स्पीक नेटिव लैंग्वेज होती है उसी में करते हैं, बाद में वो ट्रांसलेट वगैरह कर ले अलग बात। तो मैं लिखना पढ़ना, जैसे JNU आया तो वहाँ पे आप अगर हिंदी में MA कर रहे हैं तो आपको ये पेपर उर्दू का पास करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, एंड फॉर उर्दू गाइज यू हैव टू पास हिंदी, कोई ना कोई जैसे किसी लैंग्वेज के आप हैं तो एक इंडियन लैंग्वेज में एक पेपर आपको पास करना है, इस तरीके का रूल है। मैं जब था तो केवल उर्दू में था, तो और भी लैंग्वेजेस आ गई हैं, तो मैंने वहाँ उर्दू सीखा, और चूंकि शेर व शायरी का भी शौक था तो मैंने कहा कि उर्दू सीख के जो रियल टेक्स्ट है, जो मूल टेक्स्ट है गालिब का या मीर का, उनको पढ़ा जाए। इस वजह से मैंने उर्दू लिखना पढ़ना सीखा, पंजाब आया तो गुरुमुखी पढ़ना लिखना सीख दिया। तो सर अगर कोई जैसे मेरे जैसा कोई इंसान जिसको अभ्रंश सीखना है और फिलहाल वो मतलब नॉर्मल की खुद पढ़ लिख के थोड़ा सीख पाए, तो कहाँ से शुरू करे वो? इसमें कई किताबें हैं, बहुत सी बुक्स हैं, जैसे बेसिक बुक जो है वो डॉक्टर नामवर सिंह की हिंदी के विकास में अभ्रंश का योग है। एक भोला शंकर व्यास साहब की बुक है, डॉक्टर समूहनाथ पांडे की बुक है, हिंदी अभ्रंश और अवहट एक अंतर यात्रा, इनके नाम है, अगर आप नेट पे डालेंगे ना अभ्रंश से तो कई किताबें हैं, लेकिन लिटरेचर को संकलित करके नहीं, उसमें ज्यादातर व्याकरण है, तो पहले आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा समझने के लिए। जैसे अब ये कहेगा कि जज्जर याऊ नहेण, तो इसका मतलब क्या होता है, तो वो कैसे बदल रही है, क्रम कैसे बदला, जैसे मैंने बताया ना कि आज हम कहते हैं सांप निकला, हाँ, तो कैसे वो बदल के सब से सांप तक पहुंचा है, ये आपको दिमाग में कुछ ही उसके जो है ग्रामर थोड़े से बोझिल लगेंगे, पहले वहां से आपको थोड़ा सा गुजरना पड़ेगा। जैसे अभी आप लैटिन सीखना चाहें तो थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, द सेम वे इफ यू वांट टू लर्न अभ्रंश, सो यू हैव टू गो थ्रू विद सम ऑफ द ग्रामर यू नो चैप्टर्स, देन यू इट विल बी वेरी इजी। लाइक मैं जैसे ब्रज भाषा में लिखता हूँ तो ब्रज इज नॉट माई नेटिव लैंग्वेज, लेकिन बिकॉज ऑफ द अभ्रंश, बिकॉज अभ्रंश वॉज द मदर ऑफ दोज लैंग्वेजेस, अब मैं अभ्रंश को सेट कर लेता हूँ, मतलब उससे ब्रज को सेट कर लेता हूँ। तो ये आप जैसे लिपि लिपि तो देवनागरी ही है, और बड़ी मीठी भाषा है। अब जैसे देखिए आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा दोहा देता हूँ कि लोग पहले कमाने जाते थे ना हस्बैंड वगैरह, और कोई ना चिट्ठी ना पत्री ना मोबाइल ना स्काइप, तो बोलते थे कि भाई ऐसा है कि दिवाली तक मैं आ जाऊंगा या फला महीने में मैं आ जाऊंगा, नहीं आए। तो वो उनकी वाइफ जो है कह रही है अपनी सहेलियों से कि जे महुद्रणा देहडा दैये पवसंते ताण गणंती उंगड़ियाऊ जज्जर याऊ नहीं,
तो अब आप नॉर्मली इसका अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अब जैसे अपभ्रंश में थोड़ा सा जे महू, महू मतलब उसमें मैं महू मह अम, तो जे महू दृढ़ा, दृढ़ा मतलब दिन, मतलब प्रवासी, जो आज हिंदी में कहते हैं प्रवासी का अभ्रष्ट रूप है पवसंतेण, कि उस प्रवासी पति ने जो मुझे दिन दिए थे, ताण गणते उंगड़ियाऊ, उसको उंगली पे, उंगली पे जर्जर याऊ नहेड़, कि मेरे नाखून जो है जर्जर यानी कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन वो नहीं आया, इस तरह से वो छोड़ती है। तो आपको अगर थोड़ी सी मीनिंग अगर समझ में आएगा ना, तो बड़ा बहुत अच्छी लैंग्वेज। और फिर सबसे बड़ी बात है ना कि ये हमारे फोर फादर्स की लैंग्वेज थी, तो एक हिस्ट्री का पार्ट है, उसी से हमारी लैंग्वेज बनी है, तो एक सहेज के रखना जरूरी। जी जी, तो उर्दू आती है आपको, हिंदी आती है, और गुरुमुखी आती है, तमिल आता है, और भी कोई लैंग्वेज? तमिल तो बहुत बहुत बेसिक, मतलब बेसिक हम पढ़ लेते हैं। बांग्ला, बांग्ला बांग्ला जो है मैंने वहाँ पे लिखना पढ़ना सीखा, और थोड़ा बड़ा बोल भी लेता हूँ, छोटी मोटी बातचीत कर लेता हूँ, लेकिन पढ़ लेता हूँ अच्छे से, लिख भी लेता हूँ। कुल 5-6 लैंग्वेजेस, और हिंदी की सारी डायलेक्ट्स आती हैं। हिंदी की जैसे यहाँ से आप शुरू करें दिल्ली से लेके और पटना तक, मैं सारी डायलेक्ट्स में बात कर सकता हूँ लोगों से, लोकल लैंग्वेजेस में बोल लेता हूँ, जैसे ब्रज में भी बात कर लेता हूँ, अवधी में भी, काशिका में भी, बघेली में भी, भोजपुरी में भी, माघी में भी, तो चल जाता है ये। मतलब जैसे आप 2-3 ब्रज में या ब्रंश में लिखते भी है, पढ़ते भी हिंदी में भी। एक और ऐसे ही किसी अधिकारी से बात कर रही थी, वो भी कई लैंग्वेजेस में लिखते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि कई कहानियां और कविताएं किस भाषा में आएगी, ये मैं नहीं सेलेक्ट करता हूँ, ये वो कहानी अपने आप ही मतलब सेलेक्ट करती है कि वो भोजपुरी में कहलवाना चाहती है या वो किस भाषा में, हिंदी में या इंग्लिश में कहलवाना चाहती है। आपको भी ऐसा लगता है कि कोई कहानी अपनी भाषा खुद चुनती है, जो लेखक है वो बस लिख रहा है, आप मतलब इसको मानते हैं, आपको लगता है कि मैं हिंदी में लिखना, आप क्या मजमून उठाते हैं उस पे डिपेंड करता है। फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म जैसे कहते हैं ना कि कंटेंट एंड फॉर्म, तो कंटेंट क्या है, जैसे मान लीजिए अभी आप मुझसे बोले कि मैं अमेरिका के किसी इलाके पे से शिकागो पे मैं कविता लिखूं, तो शिकागो में मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में नहीं सोचूंगा, मैं वहां पे सोचूंगा या तो इंग्लिश में सोचूंगा या हिंदी में उसको लिखूंगा, लेकिन सोचूंगा इंग्लिश में ही, ठीक है, वहां दिमाग। लेकिन जिन चीजों को मैं जिस भाषा में सोच रहा हूँ, नेटिव चीजों को जैसे, तो वो चीज तुरंत आएगी और वो उस भाषा की मांग करेगी। जैसे मैं बताऊं आपको कि मैं कजरी भी लिखता हूँ, कजरी मतलब फोकलोर है, कजरी लोग गाते, सोमा घोष जी गाती हैं, मालिनी अवस्थी जी गाती हैं, बहुत से लोग गाते हैं, तो मैं साइकिल करके गाना है ना शायद मालिनी अवस्थी का, कि कुछ साइकिल एक्चुअली वो गाना मैं सुनता था बचपन से कि पिया मेहंदी ले आदम मोती झील से जाके साइकिल से ना, साइकिल से ना, तो मुझे लगा हाँ कजरी है, ये सावन में गाया जाता है, तो मुझे लगा कि मतलब कई सालों से यही बस साइकिल से ला मोती जी, तो 4-5 कजरी ही औरतें गाती हैं, कुछ नया नहीं गा रही, तो मैं लिख देता हूँ। अच्छा। मैंने वही बैठ के सोचा और मैंने लिखा कि सुन कई के चल गई ले तू डगरिया ना, एक लगे ना त्योहार तोहरे बिना सब बेकार, ना ही रंग ना उमंग ना तरंग घर द्वार, दियावा हो के अब उदास दे अंजुरिया ना, दीपक थोड़ी उदास होगा, लैंप उदास तो होगा नहीं, लेकिन वो उजाला उतना नहीं दे रहा है तुम्हारे बगैर, ये मुझे लग रहा है, मतलब लेडी को लग रहा है, और वो क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि आप देखिए ध्यान से, पहले क्या होता था कि लैंप में शीशा साफ करने की जिम्मेदारी हस्बैंड की होती थी, रोज वो चूने का पानी लगा के चमकाता था, तो उसमें ग्लिटरिंग होती थी, उसका एक साइंटिफिक अप्रोच, और जब से तुम चले गए हो तो कभी कभी लेडी जो है उधार के लालटेन को पोंछ देती है, इस वजह से भी उधार, और उसके बाद अगला आता है कि झगड़ू साहब का उधार है और तगादा बार बार, तो उन्हें मुंह से हम जाई अब बजरिया ना, क्योंकि जहां से उधार लेते हैं वो बार बार पैसे मांगता है, किस मुंह से मैं बाजार जाऊं, भाग गई जमादारिन ओहर आवे न चुड़ीहारिन, चूड़ी पहनाने वाली और झाड़ू लगाने वाली दोनों घर की तरफ नहीं आती है, उन्होंने जान गई लिन खत्म हो रोकड़िया ना, रोकड़ उसको पता हो गया है कि अब इसके पास पैसे नहीं है, हस्बैंड ने भेजे नहीं है, तो वो भी नहीं आती है, ये जो मूड्स हैं उनको ले लेके सोच के उसी भाषा में लिखा जाता है। वो सही कह रहे थे कि भाषा जैसे जो जगह जिस जगह में घटना हो रही है बेसिकली उसी में अगर वो लैंग्वेज आपको आती है तो आप वैसे ही लिखेंगे,
अगर आपको नहीं आती है तो फिर आप जैसे मान लीजिए मैं तमिलनाडु में कुछ देख रहा हूँ तो ऑफकोर्स उसको तमिल हिंदी में लिखूंगा क्योंकि मैं तमिल नहीं जानता। एक बेसिक अप्रोच वही होता है कि उसी में आप सोचते हैं वहीं से दिमाग में अपने अपने शब्द आते हैं। शब्दों से खेलना पड़ता है एज ए राइटर थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पे जल लिखना है ना वहाँ पानी लिखने से काम नहीं होने का, काम नहीं चलेगा। जहाँ पे नीर लिखना है वहाँ पानी लिख के काम नहीं चलेगा। हर चीज का गुंफन अलग होता है। एक किताब आ गई है आपकी, तो आगे अभी भविष्य में क्या पढ़ने को मिलेगा आपकी तरफ से? जी, मैं अभ्रंश की जो प्रेम कविताएं हैं वहाँ पे, जिसे मैंने आपको बताया, संदेश रासक एक है बहुत वहाँ पे जो श्रृंगार रस है, इनको कलेक्ट करके एक जो है मैं बना रहा हूँ, एक संकलन तैयार कर रहा हूँ जो इधर उधर बिखरे हुए हैं। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं उसकी व्याख्या केवल करूंगा। लिखा तो अपने लोगों ने है, कहीं 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 मिलते हैं, कलेक्शन करूंगा तो वो मेरा क्रिएशन नहीं होगा, दैट इज देयर विल बी अ कलेक्टेड वर्क, बट एक कहानी संकलन बिल्कुल तैयार है मेरा। जैसे 10 12 15 कहानियों में एक वो आ जाता है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप लिख रहे हो तो एक नॉवेल भी लिखो, बट नॉवेल के लिए थोड़ी छुट्टी उट्टी लेनी पड़ेगी। रोज रोज पता लगा अभी नॉवेल लिखने बैठे हैं फोन आ गया, ये करो वो करो। कहानियां तो चलो चल जाती हैं, लिख जाती है, नॉवेल के लिए टाइम चाहिए। तो दूसरा संकलन भी इसी साल में या अगले साल में, मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि तुरंत तुरंत जो है लिखा जाए, एक लिखा कुछ दिन पढ़ेंगे लोग देखेंगे, इंतजार भी तो करेंगे कि हाँ अगली कब आएगी। और मैं फुल टाइम राइटर तो हूँ नहीं, तो इसलिए जो है बट ये ही दूसरा मेरा मतलब 90% से ऊपर तैयार है, प्रूफ वगैरह भेज दिया है, तो अगले साल 6 महीने में किताब आ जाएगी। और ये अभ्रंश को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक दो किताबें इस पे लिख दूं और इसकी व्याकरण को और सरल कर दूं मैं थोड़ा सा, ताकि ये मतलब ना मतलब बची रहे। आपसे बात करने में तो मुझे बिल्कुल वक्त का एकदम ध्यान नहीं रहा, बहुत सही में बहुत मजा आया मुझे और काफी कुछ सीखने को भी मिला है। आपने इतना समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत आभार आपका।